कुछ दोस्त ऐसे मिलते हैं जो हमारे चले जाने के बाद भी हमें छोड़कर नहीं जाते। कुछ कहानियाँ सदियों तक दिल में घर कर जाती है। आज तो दोस्तों की ऐसी कहानी के सफर में मैं आपको ले चलूंगी जो आपका दिल छू लेगी। ये एक सच्ची कहानी है उन दो दोस्तों की, 2021 की, माई बेस्ट फ्रेंड एंड फ्रैंक। डायरेक्टर बेन सोम्बोगार्ड। IMDb रेटिंग 6.2। पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें। दोस्तों हमारे न्यू चैनल मूवीज ट्राइब 2.0 को भी पक्के से सब्सक्राइब कर लें। अब कहानी सुनते हैं। कहानी 1945 के दशक के आसपास से शुरू होती है। हैना गॉसलर जर्मनी के एक नाजी यातना शिविर यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंदी है। वहाँ उसके जैसे हजारों औरतें हैं और बंदी बनाने की वजह है कि वो सभी यहूदी समुदाय से है। हैना की छोटी बहन गाबी भी उसके साथ इस शिविर में है। यहाँ उन्हें नियम से सोना और उठना होता है और रोज सुबह उनकी हाजिरी लगती है। आज अपनी बारी का इंतजार करते हुए उसे एक सीटी की धुन सुनाई थी जो कुछ जानी पहचानी सी है। वो ये धुन पहचानती है। सबकी नजर बचाकर वो उस ओर गई। धुन उस पार से आ रही है मगर काटीले तार के उस पार देखा नहीं जा सकता। और इसी के साथ कहानी पीछे लौट गई। तब गाबी गोद में थी। उस दिन हैना की माँ घर पर नहीं थी। हैना की सबसे पक्की सहेली एन ने उसे साथ कहीं चलने को कहा। एन किसी लड़के को पसंद करती है, उसका नाम जॉन है, और उसे मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ होगा। जॉन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है और वही थोड़ी दूर पर एन हैना के साथ खेलकर उनका ध्यान आकर्षित करने लगी। जॉन के दोस्त उसे छेड़ने लगे क्योंकि वो जानते हैं कि एन उसी ओर देख रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद एक लड़की वहां जॉन से मिलने आई और ये देखकर हमारी एन का दिल टूट गया। वो बचपन का प्यार भी कितना मासूम हुआ करता था। उसने मायूस मन से हैना की ओर देखते हुए कहा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? और दोस्ती के इकरार में हैना ने उसके कंधे पे अपना सर रख दिया। अब कहानी आज पर आ गई। हैना की हाजिरी का नंबर आने से पहले वो चुपके से अपनी जगह आकर खड़ी हो गई। वहां से उन्हें काम पे ले जाया जा रहा है। वर्दी में खड़े एक नाजी सैनिक जानबूझकर हैना को दिखाते हुए अपने कुत्ते को महंगा बिस्किट खिला रहा है। हैना तो फिर भी बड़ी है मगर गाबी ये देखकर कहने लगी, मुझे भूख लगी है। किसी तरह उसे बहला फुसला कर गोद में उठाकर हैना उसे कहती है, हम जल्द एक दिन उसी घर के पास वाली दुकान से ताजा ब्रेड और दूध खाएंगे। यहाँ दिन भर में खाना एक ही वक्त पर मिलता है और वो भी आधा पेट, जो खाने लायक भी नहीं होता। कहानी वापस उस दिन पर आ गई। एन जानबूझकर जॉन को जलाने के लिए उसके दोस्तों से दोस्ती करने लगी। एक दोस्त उसकी तरफ आकर्षित भी हुआ और उसे एक जगह ले जाना चाहता है। एन ने हैना को भी साथ चलने को कहा। वो जगह है एक सिनेमा घर जिसके दरवाजे पर लिखा है, यहूदी अंदर नहीं जा सकते। तब वो लड़का उन्हें पीछे के दरवाजे से ले गया। पर्दे के उल्टी तरफ से उन्होंने हिटलर का भाषण देखा। अब घर वापसी के वक्त रास्ते में कुछ यहूदी लोगों की दुकानों के शीशे तोड़ दिए गए हैं। कई यहूदियों के घर जबरदस्ती खाली करवाए जा रहे हैं। उन्हें यातना शिविर में जाकर रहना होगा। यहाँ हर यहूदी को अपने कपड़ों पे एक पीला रंग का कपड़ा लगाना पड़ता है ताकि उन्हें पहचाना जा सके। घर पहुँचने पे माँ ने उस पे बहुत गुस्सा किया। शहर के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी ये सब समझने के लिए हैना बहुत छोटी है, वो महज 14 साल की ही तो है। तभी हैना के बाबा आए। वो काफी दिनों से इस जगह को छोड़कर किसी और देश जाने के लिए पासपोर्ट की अर्जी भर रहे हैं मगर जर्मन सरकार उसे बार बार खारिज कर रही है। हैना की माँ पेट से है, ऐसे हालातों में वो बच्चे को कैसे जन्म देगी? हताशा उन्हें दिन पर दिन घेरता जा रहा है। अब तो खाना गले से नीचे नहीं उतरता। क्या पता कब उन्हें ये घर छोड़कर शिविर में रहना जाना पड़े। हैना बोली, हम एन के पिता से मदद क्यों नहीं लेते? माँ बोली, अगर वो पासपोर्ट जुटा पाते तो कब का देश छोड़ चुके होते। सबकी हालत बराबर है। माँ ने आज से हैना की पियानो, टेनिस वगैरह सारी क्लासेस बंद करवा दी। उसे अब घर की चारदीवारी में ही रहना होगा। एक रात हैना ने बाबा को घर की कीमती जेवर फर्श में छुपाते हुए देख लिया। बाबा ने कहा, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इसे राज रहने देने के लिए हैना को एक हीरे की अंगूठी दी, ये कहकर कि किसी दिन जरूरत पड़े तो निकालना, तब तक इसे छुपा कर रखो। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। इतनी देर रात कौन हो सकता है?
एन के पिता उनसे मिलने आए हैं। हैना को कमरे में जाने के लिए कहकर वो दोनों को जरूरी बात करने लगे। हैना ने उन्हें कहते सुना कि एन के पिता हैना को भी साथ ले जाना चाहते हैं, उन दोनों का साथ रहना अच्छा रहेगा। पर हैना के पिता की परेशानी ये है कि उसकी माँ को 9वां महीना चल रहा है, ऐसे में वो नए बच्चे का और साथ ही गाभी का ख्याल अकेले कैसे रखेगी। हालात नाजुक है, उन्हें फैसला लेना ही होगा। हैना को तो ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि उसे एन के साथ देश के बाहर जाने का मौका मिलेगा। वो बच्ची ही तो है, उसके मन में अभी चल रहा है कि वहाँ बर्फीले देशों में कितना मजा आने वाला है। लेकिन आज जब वो स्कूल पहुंची, एन थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। वो अब उन लड़कियों के साथ उठने बैठने लगी है जो लड़कों से ज्यादा बातें करती है, उनसे दोस्ती करती है, कईयों के तो बॉयफ्रेंड भी है, क्योंकि उनकी अभी उम्र ही ऐसी है कि उन्हें ये बातें रिझाती है। और हमारी हैना बहुत सीधी सादी, बिल्कुल पढ़ाकू किस्म की लड़की है। उस दिन स्कूल पहुंचकर भी एन हमेशा की तरह हैना के साथ ही बैठी। गुस्से में हैना ने उसे दिखाते हुए बाबा की दी वही अंगूठी पहनकर इतराने लगी, क्योंकि उसे मालूम है कि हर चमकती चीज एन को अच्छी लगती है। तभी दूसरी क्लास के बच्चे उसकी क्लास टीचर के पास आकर कहते हैं, मिसेस मैपिस कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। टीचर ने उन्हें अपने क्लास में बैठने को कहा। वो यहूदी बच्चों का स्कूल है, वहाँ एक एक कर टीचर कम होते जा रहे हैं, पता नहीं और कितने दिनों तक वो ये स्कूल चला पाएंगे। एक कमरे में ना जाने कितनी महिलाओं को ठूस ठूस कर भरा गया है, चलने फिरने की जगह नहीं, वो सब एक के ऊपर एक सोती है, यहाँ तक कि पैखाना भी वही करना पड़ता है। तभी हैना का नाम पुकारा गया। हैना का सामान हमेशा बंधा हुआ रहता है, क्योंकि उसके बाबा लगातार उन्हें यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक जर्मन कैदी के बदले नाजी सरकार एक यहूदी की अदला बदली करती है। सबसे ऊपर अब हैना का ही नाम है, उसका किसी भी वक्त यहाँ से जाने का बुलावा आ सकता है। लेकिन आज बात कुछ और है। उनकी वार्डन मारिया तबीयत खराब होने के बहाने से उसे डॉक्टर के पास ले जा रही है, जहाँ उसके बाबा भर्ती है। बाहर का मंजर बड़ा ही भयानक है, कैदी यहाँ वहाँ मरे पड़े हैं। जैसे तैसे वो अंदर पहुंचे, सबसे पहले गाभी की नजर नर्स की टेबल पर रखी सेब पर पड़ा। एक भूखा और क्या देख सकता है। बाबा ने उन्हें देखते ही गले से लगा लिया और कहा, हमारा नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है, कल एक जर्मन कैदी से हमें बदलने वाले हैं। आखिर कल हम यहाँ से निकल पाएंगे और फिर ट्रेन से सफर करना होगा। हैना ये सुनकर बेहद खुश हुई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो देश छोड़कर निकल पाएंगे। तभी होटर बज उठा, सुबह की हाजिरी का वक्त हो गया है, उन्हें जल्दी वापस जाना होगा। अब फैक्ट्री में जूता सिलने का काम करते हुए हैना खिड़की से बाहर तार के उस बाड़े को देख रही है और सोच रही है, क्या वाकई में एन आई थी या ये सिर्फ मेरा वहम है। और एक बार फिर कहानी गुजरे वक्त पे आ गई। दोनों सहेलियां दुनिया की हर परेशानी से दूर अपनी ही दुनिया में मग्न है, क्योंकि दोनों बहुत जल्द स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं। वो दिन भी क्या दिन थे, और आज सब कुछ बदल चुका है। कल वो उसके बिना ही यहाँ से चली जाएगी, पता नहीं किस हाल में होगी वो। दोपहर तक तेज बारिश शुरू हो गई। जब हैना कचरा फेंकने के लिए गई तो वहाँ बारिश की वजह से कोई पहरेदार नहीं है। मौका पाकर वो बाड़े के नजदीक गई और एन को आवाज देने लगी, एन एन क्या तुम हो वहाँ? दूसरी तरफ से किसी और की आवाज आई, तुम एन को ढूंढ रही हो? हैना बोली, हाँ वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, बहुत चुलबुली है, बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ सकती। क्या आप उसे जानते हो? उससे कहना कि मैं कल रात यहाँ से जा रही हूँ, तो आज रात वो मुझसे मिलने जरूर आए, मैं उसका इंतजार करूंगी। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। हैना को समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन थी और क्या एन आ पाएगी। हैना को रह रहकर एन की याद सता रही है। उसे इस बात का बहुत दुख है कि वो एन को अपने साथ नहीं ले जा सकती। एक समय था जब वो दोनों एक दिन के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने एन से कहा था कि उसे नर्स बनना है, मगर एन को तो दुनिया देखना था। उसका बस चले तो वो ज्यादा दिनों तक एक जगह पर रुके ही ना। वो एक पत्रकार या लेखक बनकर दुनिया भर की बातें लिखना चाहती है। एन में इतना बचपना था कि वो पल में गुस्सा करती, पल में मान जाती और अगले ही पल वो नाच रही होती। एक दिन नाचते हुए वो हैना से बोली, चलो तुम लड़का बनो और मैं तुम्हारी महबूबा। अरे तुम मुझे अपनी अंगूठी देकर प्यार का इजहार नहीं करोगी? वही अंगूठी जो क्लासरूम में तुम्हारी उंगलियों पर थी। हैना बोली, वो
वो तो मेरे सच्चे प्यार के लिए है, एन झट से बोली। क्या मेरे अलावा भी कोई तुमसे सच्चा प्यार कर सकता है? मैं ही उस अंगूठी की असली हकदार हूँ। दोनों खूब हंसे थे उस दिन। एन और हैना बेशक अच्छे दोस्त थे, मगर दोनों के स्वभाव में काफी अंतर था। एन की बढ़ती उम्र का जिज्ञासा उसके नाबालिग से बालिग उम्र की तरफ बढ़ते साल उसमें बदलाव ला रहे थे, जबकि हैना इन बातों को लेकर थोड़ी शर्मीली है और एन के बार बार उकसाने से वो उस दिन नाराज होकर चली आई। घर लौटते वक्त हैना ने देखा कि अब तो उनके आसपास के घरों से भी यहूदी परिवार को निकाला जा रहा है। आज उसकी किसी स्कूल के दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, कल उनके साथ भी तो ये हो सकता है। वो भागते हुए घर पहुंची। बाबा पर्दे के पीछे से ये मंजर देख रहे हैं। उन्होंने परेशान हैना को देखकर कहा, चिंता मत करो, वो कभी हमारे घर तक नहीं आएंगे। मेरे पास सरकारी कागजात है, हमारे पासपोर्ट भी तैयार है और हम लिस्ट में सबसे ऊपर है। किसी भी वक्त जाने के लिए बुलावा आ सकता है, हम सुरक्षित हैं। और जोर जोर से हिटलर की प्रशंसा में कोई गीत गाने लगे। इसी से तो उनकी बेबसी का पता चल रहा है। उसकी माँ दूसरे कमरे में प्रसव पीड़ा भोग रही है। आज या कल में ही वो संतान को जन्म दे देगी। मगर चाहे जितनी भी पीड़ा में हो, हैना का चेहरा देखते ही उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वो एन से लड़कर आई है। तभी हवाई हमले की आवाज सुनाई देने लगी। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फिर अगले ही दिन सुबह जब हैना एन के घर पहुंची, उसके किराएदारों ने बताया कि वो लोग तो आज सुबह ही देश छोड़कर चले गए हैं। हैना को यकीन नहीं आ रहा कि एन उसे छोड़कर इस तरह बिना बताए जा सकती है। वो उसके कमरे में गई। अरे, उसका सामान तो पूरा बिखरा हुआ है और वो अपनी बिल्ली को छोड़कर कैसे जा सकती है। खैर, टूटे दिल से वो घर वापस आई और माँ बाबा से एन की शिकायत करते हुए रोने लग गई। माँ, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, हम तो साथ जाने वाले थे ना। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, देखो, अगर तुम उसकी सबसे अच्छी सहेली हो तो तुम्हें उसे समझना होगा कि ऐसा करने के पीछे कोई तो मजबूरी होगी उसकी। अपने दोस्त पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद से हैना रोज एन के कमरे में घंटों बैठी रहती। उसे वहाँ अपनी पसंदीदा किताब स्टडी टेबल पर रखी मिली, द स्टोरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि एक नर्स पर लिखी है, हैना की सबसे पसंदीदा किताब। एक दिन उसके घर में जोरों से दरवाजा पीटने की आवाज आ रही है। ऐसा लगता है अभी नहीं खोला तो दरवाजा ही तोड़ देंगे। उनसे कहा जा रहा है 5 मिनट में सामान लेकर निकलना होगा। हैना के बाबा को तो जैसे सांप सूंघ गया हो। माँ के कहने पर हैना ने दरवाजा खोला। कुछ जर्मन अफसर आए हैं, उन्हें घर छोड़कर यातना शिविर चलना होगा। बाबा ने कुछ सरकारी कागज दिखाने चाहे, मगर उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया गया। फिर उन्होंने समझाने की कोशिश की, मेरी पत्नी पेट से है। अफसर उस कमरे में गया और हैना की माँ का पेट दोनों हाथों से जोर से दबा कर देखने लगा। माँ दर्द से करहाने लगी। कुछ दिनों की मोहलत देकर वो जाते जाते बाबा के चेहरे पर थूक कर गया। उसी रात माँ की हालत एकदम खराब हो गई। यहूदी होने की वजह से वो ना अस्पताल जा सकते हैं, ना ही डॉक्टर की सुविधा ले सकते हैं। आखिरकार माँ ने बच्चे को जन्म देते हुए दम तोड़ दिया। दोनों में से कोई ना बच पाया। बाबा ने उसे बाजुओं में कसकर थाम लिया। वो भी टूट चुके हैं। बाबा बेबसी के आंसू रो रहे हैं। उन्होंने खामोशी में ही माँ को विदा किया। इधर ज्यादा दिन नहीं लगे नाजियों को हैना के परिवार को घर से बाहर खींच लाने में। अब समय की सुई घूमकर आज पर आ गई। आधी रात में हैना की नींद खुली। उसने एन से वादा किया था कि वो उसे मिलने आएगी। देखा तो बगल में सोई औरत, जो काफी दिनों से बीमार थी, भूख और ठंड में दम तोड़ चुकी है। अब तो मौत इतनी आम हो चुकी है कि एक लाश के साथ सोने से भी डर नहीं लगता। उसके बदन के कंबल खींचकर हैना ने अपना सर ढाक लिया और चुपके से निकल गई। रात गहरी है, इसीलिए चहल पहल भी कम है। सबकी नजर छुपाकर हैना बाड़े के पास पहुंची और सीढ़ी से वही धुन बनाकर एन को आवाज देने लगी। कुछ देर तक तो कोई आवाज नहीं आई, फिर एक पुछी सी आवाज ने उसे हैनली कहकर पुकारा। इस नाम से सिर्फ एन उसे बुलाती थी। हैना बोली, एन, मुझे तो लगा तुम स्विट्जरलैंड में होगी। पर एन अपने ही घर के बेसमेंट में छुपी है। वो हैना को साथ रखना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ और गाबी को उसकी ज्यादा जरूरत थी। एन बीमार है, साथ ही इतनी भूखी कि पेट और पीठ सटकर एक हो गए हैं। वो हैना से खाना मांगती है। कल मेरे लिए खाना लेकर जरूर आना, मैं कल इसी वक्त यहाँ आऊंगी। इससे पहले कि हैना उसे कुछ कह पाती कि कल उन्हें एक जर्मन कैदी से बदला जा रहा है,
कि कल वो रिहा होने वाली है, तब तक एन जा चुकी है। रात भर हैना यही सोचती रही कि वो अब क्या करेगी। सालों से इस दिन का इंतजार करने के बाद एन अब उसे मिली है, जब सब कुछ सही होने जा रहा है। अगली सुबह वो मारिया के पास गई और बोली, मुझे अभी बाबा से मिलना है, बहुत जरूरी बात है। मारिया बोली, पागल मत बनो, इस तरह कभी भी तुम उनसे नहीं मिल सकती। अभी कुछ देर में तुम्हें निकलना है, अपना सामान तैयार करो। हैना ने उसे अपनी अंगूठी निकाल कर देते हुए कहा, एक यही कीमती चीज है मेरे पास, ये तुम ले लो, पर बाबा से मिला दो। बार बार पहरेदारों के बीच से ले जाना खतरा है, पर किसी तरह वो उसे लेकर गई। हैना के बाबा की तबीयत भी बिगड़ती जा रही है, पर वो हैना के सामने ये जाहिर होने नहीं देते। हैना ने गाभी को उनकी गोद में देते हुए कहा, आप गाभी को लेकर आज यहाँ से निकल जाना, मुझे यहीं रहना होगा। कल एन आई थी, वो अपने घर में छुपी हुई है, उसके पास खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त को मेरी जरूरत है, मैंने उसे वादा किया है कि मैं आज उसके लिए कुछ खाना लेकर जाऊंगी। बहुत समझाने के बाद भी जब हैना नहीं मानी, बाबा ने उसे एक थप्पड़ लगाया। इससे पहले उन्होंने हैना को कभी नहीं मारा था। हैना ने बाबा का माथा चूमा और कहा, मुझे माफ कर देना बाबा, मैं नहीं आ सकती। उसने निकलते वक्त मारिया के लिए रखा खाने का एक डब्बा चुरा लिया। मारिया उसे समझाती है, तुम अपने साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मत करो ऐसा। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम यहाँ से निकल सकती हो, तुम्हारे बाबा लगातार कोशिश कर रहे हैं, वरना यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें ये नसीब नहीं हो सकता। मगर हैना ने ठान लिया है, वह एन को छोड़कर नहीं जा सकती। अगर उसने एन के साथ बाहर जाने के सपने देखे थे तो वो उसके लिए यहाँ रुक भी सकती है। मुश्किल की इस घड़ी में जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोच सकता है, हम किसी और के लिए सोचे, खुद की भूख भुलाकर ये सोचे कि उसने खाया नहीं होगा, हम अकेले नहीं साथ हालात से लड़ने की सोचे, ये इंसानियत की सबसे ऊंची शिक्षा है। मारिया और इवा भी उसकी हिफाजत के लिए साथ गई। वहां पहुंचकर जब उसने एन की आवाज सुनी, उसने वो खाने का डब्बा फेंका, मगर उस तरफ एन जैसे कितने ही यहूदी सड़क पर मर रहे हैं। वो डब्बा एन के हाथ तो आया, पर बाकियों ने उसे छीन लिया। एन भूखी रह गई, वो कांपती आवाज में चिल्लाते हुए बोली, है ना, वो लोग मुझे खाने नहीं दे रहे, तुम कल फिर से आना, मैं इंतजार करूंगी। तभी वहां से एक अफसर की गुजरती गाड़ी को देख मारिया और इवा ने उसे जल्दी से बुला लिया। वो छुप छुपा कर वापिस आ गए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि इवा हैना को दोबारा वापस बुलाने आई। उसके बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, ऐसी हालत में वो सफर का धक्का नहीं झेल सकते, वो उसे देखना चाहते हैं। जब हैना ने बाबा का हाथ पकड़ा तो वो गर्म थे और कुछ ही देर में वो ठंडे पड़ गए। डॉक्टर और दवा के अभाव में माँ की तरह बाबा ने भी दम तोड़ दिया। सभी औरतों ने मिलकर जाने वाले के लिए रस्म की। हैना और गाबी के फ्रॉक का कॉलर को जरा सा फाड़ दिया गया और जो भी छोटी मोटी खाने की मीठी चीजें थी वो हैना की गोद में एक एक कर रख दिया गया। हैना के पास आज रात एन को देने के लिए कुछ भी नहीं था, पर बाबा ने जाते जाते इस परेशानी को भी दूर कर दिया और फिर इवा ने उसकी वही अंगूठी उसे वापस कर दी। आज रात होते ही मारिया दोबारा हैना के साथ निकली। ठंड, भूख और बाबा के जाने के दुख में हैना के मुंह से सीटी नहीं बच रही। तभी उस ओर से आवाज आई, हैनली तुम आ गई। इससे पहले कि हैना कुछ कहती, जर्मन कुछ सैनिक शराब के नशे में उस ओर आने लगे। बेचारी मारिया ने उनका ध्यान भटकाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और उन्हें दूसरी तरफ ले गई। अब हैना ने अपना पूरा जोर लगाकर डब्बा उस तरफ फेंका और बीच में बने भूसे की दीवार को हटाने लगी। आखिरकार उसे एन वहां दिखी। किसी ने नहीं सोचा होगा, फूल से रहने वाली एन की आज एक भिखारी की तरह हालत हो गई है। उसके बाल काट दिए गए हैं, कपड़े फटे हैं, पता नहीं क्या क्या अकेली झेलती होगी। और फिर एन ने भी हैना को देखा। दोनों की आंखों में आंसू है मगर होठों पे मुस्कान। हैना बोली, एन अब भी दुनिया घूमने के सपने देखती हो ना। एन को अब वो बातें कितनी बचपना लगती है, उन्हें पेरिस, चाइना और पता नहीं कहां कहां जाना चाहते थे। एन बोली, और तुम तो नर्स बनकर मुझे छोड़कर चली जाओगी। हैना बोली, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहूंगी, जहां जहां तुम जाओगी एक साथ चलूंगी। एन के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। अब उस डब्बे में एन को वो अंगूठी भी मिली जिसे हैना सबसे ज्यादा प्यार करती है, वो एन ही तो है। कुछ ना होकर भी उन्होंने दोस्ती की मिसाल कायम की है जो मरते दम तक उनके दिल में रहेगी। तभी सायरन बज उठा,
एन को अब जाना होगा। इधर हैना वापस लौटते हुए कमजोरी की वजह से रास्ते में गिर गई। किसे पता था ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। अगले दिन हैना के कैंप के लोगों को आगे भेज दिया गया। आजाद होने से 2 हफ्ते पहले महज 15 साल की उम्र में एन बीमारी से मारी गई। आगे चलकर हैना इसराइल में एक नर्स बनी, मगर वो हर रात सपने में एन के साथ दुनिया घूमती है। हैना और गाबी के 7 बच्चे हुए। आज उनका एक पूरा बड़ा परिवार है, 38 पोते पोती और 27 पर पोते। वो कहते हैं कि ये बदला है उसका हिटलर के खिलाफ, जो यहूदियों को खत्म करना चाहते थे। फरवरी 2022 में ये फिल्म रिलीज होने के 6 माह बाद 93 साल की हैना गॉसलर भी चल बसी। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हुई। पूरी कहानी सुने, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी पक्के से करें। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी हिट करें।